नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैसले की जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तलाक शुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि संविधान में हर वर्ग हर धर्म की महिलाओं के लिए समान अधिकार है, इसलिए मुस्लिम महिलाएं भी अन्य धर्म की महिलाओं की तरह तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने के लिए हकदार है। ये सुप्रीम कोर्ट की लाइन है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी धर्म की महिला हो, वो तलाक के बाद हकदार है मुआवजे के लिए, यानी उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कबूल नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि कोर्ट का फैसला शरीयत कानून में मतभेद पैदा करने वाला है। AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, यानी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाने वाले फैसले पर मजहबी टकराव है। तो खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। हमारा मानना यह है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामलों पे गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन नहीं है, बल्कि हमें महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाए फैसला। जब हिंदू लॉ मैरिज एक्ट में ये है कि आपको एलिमनी मिलती है डिवोर्स के बाद, तो महिला, मुस्लिम महिला को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो ये मैं वेलकम करती हूँ, मैं इसका स्वागत करती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्शन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कैन मूव ऑन और आगे वो बढ़ती नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेगी। कि इद्दत के बाद के खर्चे को शरीयत ने मना किया है ताकि जो साबिका बीवी या साबिका शौहर है उसकी निजी और पर्सनल ज़िंदगी में किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर ना हो। शरीयत का यही मुतालबा है, शरीयत की यही तालीम है। ऐसा करा कानून जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर समान रूप से हो। जुडिशरी का आमतौर पे ये रवैया रहा है या ऐसी मान्यता रही है हर जुडिशरी में कि जो धार्मिक कोडिफिकेशंस हैं या महिलाओं के अधिकार के लिए धार्मिक गारंटी हैं वो पर्याप्त नहीं है, ऐसी मान्यता अदालतों की रही है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को, लॉ बोर्ड को समझना पड़ेगा कि देश शरीयत से नहीं चलेगा। इस्लाम में क्या कानून, उसी जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान है, जहाँ जब कोर्ट तय करेगा उसके साथ, सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा या पार्लियामेंट तय करेगा उसके अनुसार चलेगा। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द आज हमारी जो चर्चा होगी। जहाँ पहला सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संविधान से बड़ा है, क्योंकि वही सवाल उठा रहा है, संविधान से बड़ा है या शरिया? मुस्लिम महिलाओं के अधिकार क्यों नहीं कबूल है? जब भी मुस्लिम महिलाओं की बात आती है अधिकार की, तो कबूल क्यों नहीं है? पर्सनल लॉ के नाम पर मनमर्जी क्यों? सबके लिए कानून तो एक समान, तो फिर क्यों परेशान? जब कानून सबके लिए एक समान है तो फिर क्यों परेशान है? ये बहुत सारे मसले हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। तो चलिए हमारे साथ, आपको बता दें, हमारे खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ ऋचा सिंह रहेंगी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। ऋचा जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी रहेंगी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। अजरा मोबिन है, सामाजिक कार्यकर्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए। सोफिया अहमद है, पूर्व सदस्य अल्पसंख्यक आयोग के। सबसे पहला सवाल सोफिया अहमद जी आपसे ही मैं पूछ लेता हूँ। सोफिया जी, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का? वेलकम करेंगे या आपको लग रहा है कि नहीं, जो शरिया कानून कहता है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है वो ठीक है? सोफिया अहमद, मुझे आप सुन पा रही हैं? चले, अजरा मोबिन है, सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे साथ। अजरा मोबिन जी, आप कैसे देखते हैं इसे? आ,
माफ कीजिएगा कि शायद जयप्रकाश जी आप बात कर रहे हैं। जी 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 मैम। हाँ जयप्रकाश जी, देखिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है कि हम अपने संविधान के अकॉर्डिंग ही अपने मजहब को भी हम मान सकते हैं, और हमारे मजहब में जो परंपराएं, जो रीति रिवाज चल रहे हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपने हकदार हैं जिंदगी जीने के लिए। और रहा मसला कि जब कहते हैं कि भाई तलाक होने के बाद आप उस आदमी से, उस पति, अब जब तलाक हो ही गया है तो वो तो आपका न शौहर है न पति है, और आप एक तरफ कहते हैं कि आप महिलाओं को, पुरुषों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो मेरा सवाल यहाँ जयप्रकाश जी ये उठता है कि एक तरफ आप आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ फिर आप महिलाओं को पर पुरुष पर आश्रित होने की बात करते हैं, क्यों नहीं ऐसी महिलाओं को उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से या उनके हुनर के हिसाब से उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते, कोई स्कीम ला करके दे, कौन करे, ऐसी कौन करे ना होना पड़े, कौन करे, ये गवर्नमेंट कर, गवर्नमेंट पर लानी चाहिए। फैसले पर सवाल आप उठाएं तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहिए ना, फिर जो खिलाफत कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, ऑल इंडिया नहीं तो आप कहिए ना, आप अगर रहनुमा बन रहे हैं, आप जैसे समाज सेवियों को करना चाहिए, फिर आप शरीयत में इंटरफेरेंस करेंगे, आप कानून को पहले पढ़िए। तो क्या आपसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है? अजरा मोबिन, अजरा मोबिन, सरकार कुछ कहे तो आप कहते हैं एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से भी आप बड़े हो गए। चलिए सरकार एक विशेष वर्ग को टारगेट करती है, आर्टिकल हमको अलाउ देता है। नहीं नहीं अजरा मोबिन जी मुझे बताइए ना, सरकार अगर कोई कदम उठाती तो आप कहते हैं एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, एक सवाल तो सुन लीजिए। बड़े नहीं है ना, नहीं सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं क्या? संविधान कहता, हमको संवैधानिक हक दिया गया है, संविधान में काम है, संविधान क्या शरिया से चलेगा? संविधान, संविधान क्या, संविधान ये नहीं कहता है कि जो भी जिस कास्ट में, जिस मजहब में वो अपने अपने मजहब के अकॉर्डिंग अपने जीवन यापन कर सकता है, आप इसको दरकिनार कर देंगे क्या? आप संविधान से ऊपर हो जाएंगे क्या? आप संविधान को नहीं मानेंगे? और क्यों आप हमको, हम महिलाओं को बार बार पर पुरुषों पर आश्रित करने के लिए मजबूर करते हैं? क्यों आप हमको दया का पात्र महसूस कराते हैं? हम दया के पात्र नहीं है, हमको हमारा हक मिलना चाहिए। तो आपको लगता है अजरा मोहन जी ये सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला है? नौकरी लेकर के नहीं, सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला है? मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई निरादर नहीं करना चाह रही, मैं सुप्रीम कोर्ट पर कोई आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रही, लेकिन मेरी अपनी अपनी जो मैम तीन तलाक का जो कानून बना, तीन तलाक के कानून में भी ये कहा गया है कि जो पुरुष तीन तलाक देता है उसको गुजारा भत्ता देने का हक है, वो गुजारा भत्ता देगा, वो तीन तलाक में भी कहा गया कानून में, इस्लामी कानून में, शरीयत में कहीं नहीं कहा गया है। जब वो शौहर रहने गया तो क्यों दया का पात्र बनेगी वो महिला? उस आदमी से क्यों पैसा लेगी? अरे मैडम अभी कहती है कि सरकार इनका वो करे, जब फिर बात आती है अपने ऊपर आती है तो कहते हैं ये तो शरिया कानून में, फिर शरिया कानून से चलेंगे तो बहुत कुछ चीजें नहीं बदल पाएंगे। कहते हैं कि महिला दूसरी, चलिए मैं लौटूंगा, अजरा मोबिन जी लौटूंगा। प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस का क्या स्टैंड है? वही शारव बानो वाला केस के मामले के तरह स्टैंड है आपका? मुझे लगता है कि हमारा स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है, क्योंकि हम देश के संविधान में विश्वास रखते हैं और देश के संविधान में न्याय की व्यवस्था है, और न्याय की व्यवस्था अगर ये कहती है कि सही है तो सही है और हम इसका समर्थन करते हैं। परंतु अगर कोई पक्ष इसके समर्थन में नहीं है या उसके मन में जो भी बात है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो ये अधिकार हमारी व्यवस्था का एक हिस्सा है, वो जा सकता है। परंतु जहां तक अगर बात करूं तो मैं महिला सशक्तिकरण का, तो महिला सशक्तिकरण की बात अगर मैं करूंगी तो मैं ये भी तो पूछूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा एक विषय नहीं है क्या? महिलाओं की सुरक्षा एक सबसे बड़ा विषय है। अभी इस मुद्दे पर बात करें ना प्रियंका जी, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं या नहीं? देखिए मैंने पहले ही आपको कह दिया कि मैं और मेरी पार्टी हमेशा से संविधान के साथ में है, संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उसके साथ में है, न्याय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, तो फिर आप कहिए ना अजरा मोबिन जी कह रही है वो गलत कह रही है, उनको समझाएंगे आप? कौन होते हैं कहने वाले? अजरा जी का हक है कि वो जा सकती है सुप्रीम कोर्ट, अपनी बात रख सकती है, कोई भी, अगर कोई भी मुस्लिम आपके लिए संविधान, संविधान प्रायोरिटी पर है आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट आप मानती हैं, तो फिर क्या राहुल गांधी चिट्ठी लिखेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि देखिए जो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट मानिए आप, संविधान में ये
अरे आप या तो सवाल पूछ लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। आप राहुल गांधी तक क्यों पहुंच जा रहे हैं? मैं तो आपसे खुद एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या हमारे संविधान में ये अधिकार नहीं है कि हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है? अगर वो करना चाह रहे हैं, अगर उनका पक्ष है तो वो रखना चाहिए और सरकार को भी सुनना चाहिए, क्योंकि इस देश में कोई तानाशाही तो है नहीं। आप अपना पक्ष तो रखने का अधिकार सबको है। अब आप जाते हैं हिंदू जो मैरिज होती है उसमें भी तो दोनों का पक्ष सुना जाता है। अरे उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, आजरा मोबिन जी तो गलत बता रही है ना, मैंने तो कोई बात ही नहीं कही, सबको हक है, ये तो सबके राइट्स है। इस बात को लेके कि राहुल गांधी जी पत्र लिखेंगे? मैडम ये तो देखिए कांग्रेस का स्टैंड क्लियर करिए ना, कांग्रेस ने तो बहुत बड़ा फेरबदल किया, आपको पता है उस मामले में राजीव गांधी सरकार ने क्या किया था, तो उसमें तो आप अब स्टैंड तो क्लियर कांग्रेस को ज्यादा करना पड़ेगा ना। सुरक्षा की बात करूंगी तो वो आपको लगेगा नहीं नहीं आज इशू नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा इशू है, अगर उस पर बोलूंगी तो आपको लगेगा वो इशू नहीं है, क्योंकि आज आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं का ही सबसे ये इशू नहीं है। मैम करना है देश को, आपको लग रहा है ये इशू नहीं है, दखल देना गलत है। और देखिए कांग्रेस की वो कह रही है कि ठीक है उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए अगर उनका है, ठीक है जाना चाहिए, इसमें तो सबके राइट्स है, आप क्या सोचती हैं? अगर इन लोगों को पॉलिटिकल व्यू देना है तो किसी के लिए सही होगा किसी के लिए गलत, लेकिन एक विक्टिम से पूछेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही न्याय लिया है, क्योंकि जो एक विक्टिम भुगतता है जब डिवोर्स को, वैसे तो मुस्लिम महिलाओं को इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया जाता है, फर्स्टली इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव और दसियों चीजें शरिया लॉ ये लॉ सब कुछ बता दिया जाता है, लेकिन अगर हमारे हक के लिए कोई चीज कोई आवाज उठाई जाती है तो सबको प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा ये भी हमारा हक है, क्योंकि जब एक औरत बच्चा पैदा करती है तो वो अकेले का पैदा नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट होके उस बच्चे को पाला पड़े। सेकेंडली आई ऑनर दिस 125 सीआरपीसी लॉ। देखिए ये लॉ पहले से ही था, बट मुस्लिम महिलाओं को लेके ये लॉ बहुत ज्यादा ओपन नहीं था, अभी जबकि अब ये स्पेसिफाई हो गया है, इट इज वेरी गुड, वी आर वेलकमिंग इट। सेकेंडली आई वॉन्ट टू कीप अ पॉइंट दैट अगर ये लॉ अब हो गया है तो इसमें एक टाइम बाउंडेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज हमने मेंटेनेंस फाइल किया तो हमें 8 साल 10 साल बाद अप्रूवल मिल रहा है कोर्ट से या सिस्टम से या जिस चीज से भी। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, आई एम अ मुस्लिम लेडी हु इज स्टैंडिंग एट दैट पोजिशन। चलिए सुफिया जी आप अजरा मोबिन को समझा पाए तो समझा लीजिएगा, मैं आऊंगा लौटूंगा। एक बार पहले एक रिएक्शन बीजेपी का, ऋचा सिंह जी बीजेपी कैसे देखती है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ना कि ये मुस्लिम, ये हर धर्म के लिए है ये जरूरी फैसला। जी बिल्कुल जयप्रकाश जी, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और सभी कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है, संविधान के समक्ष सभी नागरिक समान है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये फैसला बहुत ही एक स्वागत योग्य फैसला है, और इसको देखा जाना चाहिए इस तरीके से कि तमाम मुस्लिम महिलाएं जो तलाक के बाद किस तरीके का जीवन यापन करती हैं, किस तरीके की परेशानियों का सामना करती हैं, और किस तरीके से वे अपने जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी संघर्ष करती हैं अपने बच्चों के साथ, तो ये जो 125 सीआरपीसी के तहत सभी लोग कानून के समक्ष समान है और महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म की महिलाएं। देखिए इसमें सिर्फ कुछ विशेष लोगों को आपत्ति हो सकती है। अजरा मोबिन जी को तो रास ही नहीं आ रहा ना ये फैसला, नहीं अजरा मोबिन जी को तो गहरी अपने हाल पर छोड़ दीजिए उनको, क्योंकि वो स्वयं एक महिला है तो उनको महिलाओं की दृष्टि से देखना चाहिए और महिलाओं की समस्याओं को समझना चाहिए और इस फैसले का सबको स्वागत करना चाहिए। और देखिए मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि अजरा मोबिन जी को या फिर कांग्रेस पार्टी चूंकि अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाई, उसको अपना ये रुख स्पष्ट करना चाहिए कि जब भी मुस्लिम महिलाओं की बात आती है, चाहे वो यूसीसी के अंतर्गत इनहेरिटेंस कानून की बात हो, भरण पोषण की बात हो, संपत्ति के अधिकार की बात हो, तो ये लोग अपना ड्यूअल स्टैंडर्ड क्यों सामने लाते हैं? क्या मुस्लिम महिलाएं इस देश की नागरिक नहीं है? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए इस देश का संविधान नहीं है? एक रिएक्शन मैं प्रियंका जी से ले लेता हूँ, फिर मैं लौटूंगा। अजरा मोबिन जी आ रहा हूँ इस पर एक रिएक्शन प्रियंका जी। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या क्या है उसमें कभी भेदभाव ही नहीं किया, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे भोजन का अधिकार हो, चाहे जितने भी राइट्स हो, सब कांग्रेस ने बराबरी के तौर पर देखा,
कभी किसी को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को धर्म के आधार पर बांटती है और संविधान को खत्म करने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी है जो आज महंगाई पर बात नहीं करती, जब हिंदू महिलाओं पर अत्याचार होता तो सामने नहीं आती। आपको बताइए कि आज आप लगातार जो घर तोड़ रहे हैं यहाँ लखनऊ के अंदर, क्या वो जायज है? क्या उसमें भी आपको धर्म दिखता है कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है? आप इस बरसात के मौसम में उनकी अंधी हो चुकी है कि उसे मुस्लिम महिलाओं का दुर्दर्द दिखाई नहीं पड़ता है। महिलाओं के साथ खड़े हुए, कौन सी महिलाओं के साथ खड़े हुए? जरा बता दीजिए। ये तो आश्चर्य की बात है कि आप तीन तलाक और हलाला जैसी कुरीतियों का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी तीन तलाक और हलाला जैसी कुरीतियों का समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी महिलाओं का सम्मान करती है, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो चाहे वो हिंदू महिलाएं हो। इसीलिए चलिए मैं लौटूंगा। प्रियंका जी अगर आप सम्मान करते तो राजीव गांधी की सरकार में जो आप कानून लेकर आए ना, एक स्पेशल कानून ले आए थे, आपको पता है, और वही आज फिर मामला वही खड़ा है, उसी जगह आज चर्चा हो रही है। मैं लौट रहा हूँ, ठीक है? रुकिए रुकिए, ऋचा जी रुकिएगा, प्रियंका जी रुकिएगा, अजरा मोबिन जी देखिए, बाहर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी, ठीक है? रुकिए प्रियंका जी, रुकिए ऋचा जी, रुकिएगा प्लीज। अजरा मोबिन जी अजरा मोबिन जी, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है। अरे रुक जाए ना प्रियंका जी, ऋचा जी रुक जाइए, स्पष्ट करें, समझ आए तो जाकर अपने रिजल्ट, ठीक? रुके रुके, अजरा मोबिन जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री, मैं बाकी जगह नहीं जा रहा हूँ, इंडोनेशिया तुर्की उर्की की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं यही की बात करता हूँ, ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, यहां भी तो शरिया होता होगा, यहां तीन तलाक नहीं है। जयप्रकाश जी, आपको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत हो सकती है, मैं तो पड़ोसी मुल्कों की बात कर रहा हूँ ना, हो सकती है, ये मुस्लिम बाहुल्य देश है, मैं इसमें बात कर रहा हूँ, मुझे पड़ोसी देश से कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे, मैं अपने देश से मोहब्बत करती हूँ और अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे मुझे फख्र होता है, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये मिला हुआ है कि मैं अपने मजहब के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को जीऊं, जिसमें आप लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। अरे मैम, हम नहीं कर रहे, मैम सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है, मैम हम कहां कर रहे हैं? आपने अभी प्रियंका जी से कहा कि मैं तो गलत कह रहा हूं, आपने अभी कहा है, आप उसको रिचेक कर लीजिए, आपने प्रियंका जी से कहा अजहर जी गलत कर रही है, तो एक तरफ आप जजमेंट भी दे रहे हैं कि मैं सही हूं कि गलत हूं, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी बात आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप सही थोड़े मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे शरिया में दखल दे रहे हैं, आरोप कर रही है, सुनिए मैं उस पर भी आ रही हूँ, आरोप प्रत्यारोप कर रही है कि हम मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में हैं, किस तरफ, तब कहां पर ये सो गई थी जब बिल्किस बानो के बलात्कार करके जेल के बाहर घूम रहे थे, तब इनकी बोली क्यों नहीं निकल रही थी, तब आप क्यों नहीं बोल रहे थे कि उनके साथ गलत हो रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं जाते हैं एक भी संवेदना व्यक्त करने उस महिला के पास कि उसके साथ एक, तो अजरा मोबिन जी आप कहती हैं अगर जिस महिला के साथ तीन तलाक की घटना होती है उसे अपने हाल में छोड़ दिया जाए, उसे अपने हाल में छोड़ दिया जाए, तो जब बलात्कारियों के साथ जो बलात्कारी लोग बलात्कार करे जा रहे हैं तो उस पर तो आपकी बोली निकल रही है, आप क्या मुस्लिम महिलाओं के खैरख्वाह लोग तक बन पाएंगे? लेकिन जो महिलाओं की जब बारी आती है तो आप शरिया कानून की बात करते हैं, हीनियस क्राइम करके, हीनियस क्राइम हुआ है बिल्किस बानो के साथ, मल्टीपल गैंगरेप हुआ है, उसके बाद आज तक आप लोग बोले नहीं और आप बता रहे हैं मुस्लिम महिला की हितैषी है, लेकिन जब किस एंगल से आप मुस्लिम महिला के हितैषी, पहले आप बिल्किस बानो को इंसाफ तो दिला दिए होते, खुलेआम उनको माला पहनाया गया, लड्डू बंटवाया गया, मिठाइयां बंटवाई गई, गृह मंत्रालय के इशारे पर ये सारा काम हुआ, सारा काम गृह मंत्रालय के इशारे पर हुआ, तब जाना चाहिए, तब कहां बैठ गई थी, तब बीजेपी की कोई महिला की आवाज नहीं निकली कि एक महिला के साथ गलत हुआ है, न्याय हो रहा है, तब किसी महिला के बीजेपी की महिलाओं बोल रही है। अरे मैडम, तीन तलाक कानून तो यही लाए ना, बीजेपी बलात्कारी लोग चाहिए। चलिए ठीक है, रुके रुके, ऋचा जी रुके, अजरा मोबिन जी अब देखिए मुद्दे पर आते हैं, अजरा मोबिन जी देखिए अब चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है, क्या जो जिन महिलाओं के साथ तीन तलाक की घटना होती है जिसका पति छोड़ देता है तो क्या मुस्लिम महिलाओं को फिर उनको अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, हाँ या ना? क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं को एक इंसान नहीं समझते। अरे ऋचा जी रुकिए, खामोश कराइए, सुनने का ध्यान, ऋचा जी रुकिए एक मिनट, क्योंकि इंसान भी नहीं समझते बलात्कारियों के साथ। अरे अजरा मोबिन जी उस पर जवाब दीजिए ना जो मेरा सवाल है, देने वाले लोग हैं ये, क्या बात करें, आप इनको खामोश कराइए तब आप मेरा जवाब लीजिए, जवाब दीजिए, तलाक के कॉन्सेप्ट को समझिए आप,
जिस महिला का तलाक हो जाता है उसको ऐसे हाल पे नहीं छोड़ा जाता, जहां देखा जाता है दो घरों में एक घर में पति पत्नी साथ नहीं रह सकते, एक अच्छा जीवन अब नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं, तो उन दोनों को आजादी दे दी जाती है कि तलाक ले लीजिए आप अपने हिसाब से। अरे मैडम, कोई महिला बहुत कम, जो महिला इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाती है पुलिस थाने में, वो तो तैयार नहीं है। इतने सारे सैकड़ों केस आते हैं हर दिन, आज भी आते हैं तीन तलाक कानून बनने के बाद। बहुत अच्छी बात आपने जयप्रकाश जी, बहुत अच्छी बात आपने कह दी। सालों साल पेंडिंग 300 डोमेस्टिक वायलेंस के केस चल रहे हैं और सालों साल से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। 8-8, 10-10, 15-15 साल से महिलाएं चक्कर काट रही है डोमेस्टिक वायलेंस। सोफिया अहमद अजरा मोबिन कह रही हैं कि जब रिश्ता खत्म हो गया तो छोड़ दीजिए, पति पत्नी अलग हो गए तो फिर किस बात का गुजारा भत्ता। ऐसे तो महिला की जिंदगी और नष्ट की जा रही है, कम से कम वो आजाद हो जाए दूसरी जिंदगी। अरे मैडम, एक सोफिया अहमद को सुन लीजिए आप। सेक्शन 125 सीआरपीसी मुस्लिम महिलाओं के लिए अनाउंस कर दिया गया है कि मैरिड हो या डिवोर्स हो आपको गुजारा भत्ता मिलेगा। इट इज वेरी सिंपल, जिसको सीआरपीसी के थ्रू जाना है वो जाएगा। और दूसरी चीज, हर महिला, हर मुस्लिम महिला चाह रही है कि शरिया कानून बंद हो जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग दैट कि शरिया कानून से हमें नहीं चलना, क्योंकि शरिया कानून आपके अकॉर्डिंग जब आपको कन्वीनियंस लगता है तो जो जितने भी आला हैं और वो सब खड़े हो जाते हैं कि शरिया कानून चलाइए, क्योंकि औरतों का टॉपिक आ गया। और अपने हिसाब से जब उनके कन्वीनियंस के हिसाब से शरिया कानून नहीं चलाना है, जितनी छूट इस्लाम ने दिए ना मैडम सूफिया मैडम, इस्लाम में जितनी छूट औरतों को दी गई है नहीं के जमाने से, वरना बच्चियों को जिंदा कब्र में गाड़ दिया जाता था। आप पढ़िए, आप हिस्ट्री पढ़िए, जिंदा बच्चियों को जब पकड़ दिया जाता था, जो साहब के आने के बाद हम औरतों को जिंदगी मिली है। आप कहाँ बात करती हैं प्रॉपर्टी में, इस्लाम ने दिया हमें। व्हाई आर यू प्रोटेस्टिंग, जिसको शरिया कानून की तरफ जितना हो जाएगा, आपको डर है कि प्रॉपर्टी में हक दिया है, सिविल कोड इस्लाम ने हमें इल्म हासिल करने का हक दिया है, कहां है आप, किस तरह की बात करें। आप जैसी महिला का इस तरीके का विरोध कर सकती है, बस बाकी और कोई महिला विरोध नहीं करे, खाली आप जैसी महिला बैठ के जो लोग बैठे हुए ना, आप जैसे लोग। चलिए पता नहीं मैम देखिए, ये आप शरिया की दुआएं दे रही है। अजरा मोबिन जी, मैं माफी चाहूंगा, आपके आगे लिखा है सामाजिक कार्यकर्ता, मुझे ताज्जुब होता है ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता जो महिलाओं के हक पर खुद ही तर्क वितर्क कर रही है। धन्य हो आप, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है, यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।